हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आयशास किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को लेके आई हूँ एकदम से स्पेशल रेसिपी, सिंपल रेसिपी। और आज मैं आप लोगों को बना के दिखाने वाली हूँ शारजा मिल्क शेक, या आप इसे आइस शेक भी बोल सकते हैं। ये एक्चुअली बहुत पॉपुलर है केरला में और बहुत आसान है बनाना। और जैसे कि मैंने बोला, समर स्पेशल है, समर्स चल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं थोड़े समर रेसिपी शेयर करूंगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक्चुअली जूस ग्लास में भी सर्व किया हुआ है और मैंने यहाँ पे आइस ग्लास में भी सर्व किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रेसिपी आज की और बताते हैं कैसे बनाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद राइट साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि हमारे डेली वीडियोस नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की ओर। इंग्रेडिएंट्स देखिए, मैंने यहाँ पे लिया है बादाम, नियरली 10 बादाम मैंने इसे मैश करके रख लिया है। और मैंने यहाँ पे लिया है काजू, काजू भी नियरली 10-12 काजू मैंने इसे मैश कर लिया है। और ये देखिए, मैंने यहाँ पे लिया है हॉर्लिक्स पाउडर, हॉर्लिक्स जो नॉर्मल पाउडर आता है वो नियरली 2 टेबलस्पून। और ये मैं यूज़ करने वाली हूँ बूस्ट, बूस्ट पाउडर मैं 4 टेबलस्पून ली हूँ। हॉर्लिक्स से थोड़ा ज़्यादा बूस्ट हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं यूज़ करने वाली हूँ शुगर। शुगर आपके हिसाब से, आपका जो टेस्ट है इसके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ बनानास। बनानास देखिए, एकदम से जो पके हुए होते हैं वो बनानास हम यूज़ करेंगे। मैंने 2 बनानास यूज़ किए हैं। और मैंने यहाँ पे यूज़ किया है दूध। दूध एक्चुअली हमने क्या करना है, फ्रीज कर लेना है। देखिए, एकदम से बहुत ही फ्रीज हो गया है दूध हमारा। और एक्चुअली जो मैंने आपको बताया था कि हम शारजा मिल्क शेक बनाने वाले हैं, इसके लिए आपका जो दूध है वो एकदम से ऐसा फ्रीज दूध यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए, ये एकदम जैसे आप देख रहे हैं फ्रीज दूध है। तो हम अभी क्या करेंगे, सारे इंग्रेडिएंट्स जार में डालना स्टार्ट कर लेंगे। इन द सेम वाइल हमें क्या करना है, इसे जो है थोड़ा एक जो भी सब्सटेंस लेके इसे अच्छे से क्रैक कर ले। क्रैक करके आप ओपन कर लीजिए। ओपन करके सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ अपना आपके जार में डाल लीजिए। तो चलिए, मैं अभी 1 by 1 इंग्रेडिएंट्स हमारे जार में डालना स्टार्ट कर लेती हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ले लिया है जार। जार में मैं अभी डाल लूंगी हमारे बादाम जो मैंने लिए थे, और काजू। काजू और बादाम थोड़े से हम क्रैक कर लेंगे, बिकॉज हमारे जार में हम सारे दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी डालेंगे तो उसके साथ ये अच्छे से हो जाएगा। तो अब मैं डाल लूंगी हॉर्लिक्स पाउडर, बूस्ट पाउडर, शुगर। आपके हिसाब से आप कितना शुगर यूज़ करते हैं इसके हिसाब से मैं यहाँ पे सारा कप डाल लूँगी। हमारे घर में थोड़ा शुगर ज़्यादा यूज़ करते हैं। और हमारे जो बनानास है, हम इसे बनानास को छिल के डाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी जो हमारे बनानास थे इसे मैंने छिलटे निकाल लिए हैं। मैं अभी इसमें से डाल लेती हूँ। और हमारा जो दूध हमने लिया था एकदम से फ्रीज्ड है, तो हमें क्या करना है, देखिए कोई से भी ऐसे सब्सटेंस ले लीजिए और इसे आपको क्या करना है, इसे अच्छे से मैश कर लेना है। ओपन करने के बाद मैश नहीं हो सकता, इसीलिए इसे देखिए अच्छे से इसे मैश करिए। मैश करके ओपन करके हम अभी इसमें जार में डाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो दूध था इसे अच्छे से मैश ही कर लिया है। देखिए, आप जैसे देख रहे हैं ऐसे हमारा जो आइसी लिक्विड जैसे रहता है, सॉरी आइसी सब्सटेंस, ऐसा हमें डालना है इसमें जार में। देखिए, ऐसे आप इसे कट कट कर करके डाल दीजिए। एंड अगेन, बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपका जो दूध आप यूज़ कर रहे हैं वो एकदम से थिक कंसिस्टेंसी वाला दूध यूज़ करिए। मतलब हमारे रीजन में जो है, हम यहाँ पे डोडला दूध जो है बहुत ही थिक कंसिस्टेंसी वाला रहता है, तो हम वही यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने डाल लिया है, तो अभी मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। ग्राइंड करने के बाद हमारा शेक बनके एकदम तैयार हो जाएगा।
ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ग्राइंडिंग कर ली है। जैसे कि आप देख रहे हैं, देखिए एक कंसिस्टेंसी एकदम ऐसे थिक आएगी। आप इसे मिल्क शेक भी बोल सकते हैं या आइस शेक भी बोल सकते हैं। तो मैं अभी इसे सर्विंग ग्लासेस में निकाल लूंगी। देखिए मैंने यहाँ पे लिया है जूस ग्लास और मैंने यहाँ पे आइस ग्लास भी लिया है। मैं इसे दोनों में डाल के आपको सर्व करके दिखाऊंगी हमारा शारजा जूस बनने के बाद कैसा लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे दोनों ग्लासेस में निकाल लिया है। देखिए जैसे आप देख रहे हैं कंसिस्टेंसी मैंने बता दी थी, ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अभी मैं इसमें थोड़ा सा सर्विंग के टाइम में थोड़े हम इसमें डाल लेंगे ड्राई फ्रूट्स। देखिए थोड़े बादाम डालेंगे दोनों में। थोड़े से काजू, और स्टाइलिश बनाने के लिए हम यहाँ पे देखिए चॉकलेट्स इसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए चॉकलेट इसे रख लीजिए बीच में। देखिए हमारा शारजा मिल्क शेक बनके एकदम तैयार है। आप भी ज़रूर से ट्राई करिएगा, समर सीज़न है तो आप ऐसे बना के आपका जो रिस्टोरिंग है आप फ्रिज में अगेन इसे ऐसे ग्राइंडिंग होने के बाद आपके फ्रीज़र में कभी भी रख सकते हैं। कभी भी आपके घर में मेहमान आने वाले हैं या आप घर में बच्चों के लिए बनाने वाले हैं तो बना के रख के ऑलवेज आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आप लोगों को हमारे आयशास किचन के कोई भी रेसिपीज पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अस्सलामुअलैकुम।